दिवाली के इस त्यौहार के बाद सरकार ने सभी किसान भाइयों को ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आप भी 15वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब आपका इंतज़ार खत्म होता है, क्योंकि सरकार ने आज लाइव आकर किसान भाइयों को ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ, अगर आप भी 15वीं किस्त प्राप्त करना चाहते हैं तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपको बता दें कि नवंबर के इस त्यौहार के बाद सरकार ने सभी किसान भाइयों को ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। आपको बता दें कि अगर आप भी 15वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब आपका इंतज़ार खत्म होता है। अब सभी किसान भाइयों के खाते में 4000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, अब आपके खाते में 15वीं किस्त की धनराशि दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि सरकार द्वारा सभी किसान भाइयों को कुछ जानकारी दी गई है, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दें कि अगर आप भी किसान हैं, आप भी 15वीं किस्त की धनराशि का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना EKYC करवाना बहुत ही ज़रूरी होगा, तभी आपके खाते में 15वीं किस्त की धनराशि आएगी, वरना आपके खाते में 1 रुपये की भी धनराशि नहीं आएगी। जिस किसी भी किसान भाइयों ने EKYC करवा रखा है, उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब उनके खाते में 4000 रुपये की धनराशि आने वाली है। जिस किसी भी किसान भाइयों ने EKYC नहीं करवाया, वो जल्द से जल्द करवा ले, ताकि वो भी 15वीं किस्त का आनंद ले सके। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर शेयर करके बताना कि आपने ये काम करवाया है या नहीं, और साथ ही ये भी बताएं कि आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसी छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।